11 भारत देख रहे हैं आप, मैं जुशान आपके साथ। और शुरुआत सबसे पहले जमशेदपुर की खबर से, जहां पर क्लब हाउस में बैठक के दौरान गोली चली है। केबल कंपनी की बैठक के दौरान गोली चली है। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस। गोलमुरी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ये ब्रेकिंग खबर जमशेदपुर से। क्लब हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया था, आपको जानकारी देते केबल कंपनी की बैठक का आयोजन किया गया था और इसी दौरान गोली चलती है। गोली लगने से एक युवक घायल हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ब्रेकिंग खबर जमशेदपुर से। गोलमुरी थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां पर एक युवक को गोली लगी है। तो क्लब हाउस में बैठक के दौरान गोली चली, ये गोली एक युवक को लगी। केबल कंपनी की बैठक थी, पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन में जुट गई है। तो इस समय की ये ब्रेकिंग खबर दिखा रहे हैं, गोली क्यों चली, क्या मकसद था गोली चलाने के पीछे, ये तमाम जानकारी देंगे आपको। लेकिन फिलहाल बता दे कि गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है। जमशेदपुर से खबर, जहां पर क्लब हाउस में बैठक हो रही थी, केबल कंपनी की बैठक हो रही थी और इस दौरान गोली चल गई। पीयूष हमारे संवाददाता जमशेदपुर से फोन लाइन पर। केबल कंपनी की बैठक में गोली चली है, युवक घायल हुआ है, कैसे चली गोली और ये युवक कौन है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, केबल कंपनी के का जो क्लब हाउस है वहां पे एक बैठक चल रही थी, जिस दौरान जो है वहां पे गाली गलौज होने लगा। उसके बाद वहां पे अचानक फायरिंग कर दी गई। पुलिस मौका है वारदात पे पहुंच चुकी है। पुलिस को एक खोखा भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ वो घायल युवक जिसको गोली लगी है, सर पे टच करते हुए निकल गई गोली, उसको एमजीएम पहुंचा दिया गया है, जहां पे उसकी इलाज चल रही है। अब ये बात देखने की बात होगी कि पुलिस या जांच में जो है क्या क्या सामने तथ्य सामने आते हैं और किस बात की वहां पे बैठक चल रही थी, ये भी जानकारी प्राप्त करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि उसमें कौन कौन लोग थे, क्या सफेद पोश के यानी नेता भी वहां पे मौजूद थे, कि आम लोग जो वहां के जनता है युवकों को लेकर बैठक कर रहे थे, किस बात को लेकर युवक को लेकर बैठक कर रहे थे और आपराधिक किस्म के जो युवक है वो वहां कैसे पहुंचे। तो कई सारी जांच की बिंदुएं जो है वो पुलिस के सामने आ गई है और पुलिस जो है वहां पे जांच करी है। हाँ, कौन सी केबल कंपनी जिसकी बैठक चल रही थी? देखिए, केबल कंपनी जो है बहुत साल पहले जो है बंद हो चुका था, वहां पे उसी चीज को लेके वहां पे शायद जो सूचना मिल रही है वहां पे बैठक चल रही थी कि आखिरकार जो पुराना पैसा है केबल कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनका पुराना पैसा वापस कैसे लाया जाए, कि क्या क्या फॉर्म सबमिट करना है, किस चीज के कैसे प्रबंधक से बात करना है, तो उसी चीज को लेके शायद वहां पे बैठक चल रही थी, उसी दौरान यह गोली चली है। जी, प्रशासन मौके पर मौजूद है, युवक को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, लेकिन किसी तरफ से कोई सनहा, कोई शिकायत एफआईआर थाने में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। हाँ, स्थानीय लोग जो हैं उससे पुलिस जो है वहां पे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार बैठक क्या चीज की चल रही थी। और जो युवक घायल है उसका नाम रोहित पाठक है, उसे भी एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उसकी इलाज चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पीयूष, तमाम जानकारी के लिए। जमशेदपुर से खबर निकली, जहां पर केबल कंपनी की बैठक चल रही थी। इस बैठक में किसी बात को लेकर मामला बिगड़ता है और फिर गोलीबारी होती है। इस गोली लगने की घटना में एक युवक घायल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।